हेलो फ्रेंड्स, आई एम अन्वेषा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं एक डीआई डिस्कस करने वाली हूँ। ये डीआई आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स लेवल से थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा टफ है। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि ये आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस या आईबीपीएस क्लर्क मेंस में ऐसा डीआई आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डीआई। तो देखिए, यहाँ पे एक बार ग्राफ है और यहाँ पे 6 स्कूल्स है, 6 स्कूल्स है, पी क्यू आर एस टी एंड यू, 6 स्कूल्स है। और इन 6 स्कूल्स में 3 स्ट्रीम्स में पढ़ाई होती है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। और यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज में कि हर एक स्कूल में कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स आर्ट्स में पढ़ते हैं, कितने साइंस में पढ़ते हैं और कितने कॉमर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, यहाँ पे ब्लू वाला है आर्ट्स, ऑरेंज वाला है कॉमर्स, और सॉरी ऑरेंज वाला है साइंस और ग्रे वाला है कॉमर्स, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जैसे पी में आर्ट्स में है 30% स्टूडेंट्स, साइंस में है 50% स्टूडेंट्स और कॉमर्स में है 20% स्टूडेंट्स। तो इस डेटा से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, If the total number of students in all schools are equal, then out of the total number of students from school P, Q, T and U, what percentage of students selected science stream? तो अगर हर एक स्कूल में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो कुल संख्या है स्टूडेंट्स की, वो अगर इक्वल है हर एक स्कूल में, तो फिर पी क्यू टी और यू इन 4 स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, उसमें से कितने परसेंटेज, कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम के हैं। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो देखिए, क्योंकि पी क्यू टी और यू में बोला गया है कि समान नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए हम हर एक स्कूल में स्टूडेंट्स मान सकते हैं 100। ठीक है, तो हर एक स्कूल में हम स्टूडेंट्स मान क्या मान सकते हैं, 100। ओके, लेट टोटल इक्वल्स टू 100। ठीक है, हर एक स्कूल में 100 स्टूडेंट है, ऐसा हम मान सकते हैं। क्यों 100 मानेंगे? क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, साइंस। साइंस कौन से स्कूल में निकालना है हमें, पी क्यू टी और यू। ठीक है, इसमें हमें निकालना है साइंस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसमें निकालना है आपको साइंस। मैं आपको बोलूँगी कि सजेस्ट करूँगी कि ये डीआई का आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ओके, तो चलिए पी में देखते हैं साइंस कितना है। साइंस है पी में 50%, तो हम लोग, क्योंकि हम लोग 100 माने हैं, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 50। ठीक है, फिर क्यू में कितना है साइंस, ऑरेंज वाला देखिए 70। टी में कितना है, टी में है 60। और यू में कितना है, यू में है 30। ठीक है, तो आपका टोटल आ जाएगा कितना, टोटल आपका आ जाएगा 210, है ना, 210 आ जाएगा आपका टोटल। ठीक है, टोटल ये क्या टोटल है, टोटल नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स इन पी क्यू टी एंड यू। लेकिन टोटल स्टूडेंट्स कितना है ये सब में, टोटल है आपका 400, है ना। तो आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, तो वो क्या आ जाएगा, 210 बाई 400 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज। 0 से 0 कट गया, 4 से इसको काट दीजिए, 1 0 4 2 8 52.5%। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन में चेक कर लीजिए, ऑप्शन है बी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ऑफ द स्कूल इज 600, तो हर एक स्कूल में कुल स्टूडेंट्स की, कुल छात्रों की संख्या है 600, देन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड आर्ट स्ट्रीम फ्रॉम ऑल द 6 स्कूल्स टुगेदर एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड कॉमर्स स्ट्रीम फ्रॉम द ऑल द 6 स्कूल्स टुगेदर। तो फिर इन 6 स्कूल्स में आर्ट्स आर्ट स्ट्रीम के जितने स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज
और इन 6 स्कूल्स में कॉमर्स स्ट्रीम के जितने स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज का डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है? ओके, तो ये है आपका सवाल। तो क्योंकि देखिए हर एक स्कूल में बोला गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 600 है, मतलब हर एक स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल है, जैसे कि हमने अपने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है? तो इसका मतलब ये 600 का कोई वैल्यू नहीं है, ये इरेलीवेंट है, ठीक है? एक मिनट, तो ये 600 इरेलीवेंट है, आपको इसे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंसिडर कर लीजिए टोटल हर एक स्कूल का टोटल है 100, ठीक है? ये आप कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि हमें 600 की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक स्कूल में इक्वल स्टूडेंट्स हैं और हमें यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यूज़ दिया गया है, ठीक है? तो चलिए हम निकालते हैं आर्ट स्ट्रीम का, पहले टोटल निकालते हैं आर्ट्स का, ठीक है? तो क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे 26 भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं एवरेज को, ठीक है? तो आर्ट्स में देखिए आर्ट्स कौन सा है, ब्लू वाला है, तो पी में कितना है, पी में है 30, ब्लू वाला है आर्ट्स। क्यू में कितना है, क्यू में है 20, आर में है आपका 25। कैसे निकालेंगे देखिए, ये इसमें देखिए 20 और 30 मतलब 10, 10 का अंतर है, ठीक है? और कितने गैप्स हैं यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5, 5 गैप्स और अंतर है 10, मतलब हर एक गैप का वैल्यू है 2, ठीक है? तो यहाँ तक है देखिए 22 हो गया, और यहाँ पे देखिए इस ये वाला लाइन और ये वाले लाइन के बीच में दिया गया है, ठीक है? मतलब 20, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 25, 20 21, 22 24, दिस वन इज 25, ठीक है? 25 ये हो गया आर। एस कितना आ गया, एस आ गया आपका 15, इसमें टी में आपका आ गया है 24 और यू में है 50, ठीक है? तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आ गया यहाँ पे 4 फिर 6, ठीक है? ये आ गया आपका आर्ट्स में। तो अब कॉमर्स में निकाल लीजिए टोटल कितना है, कॉमर्स, कॉमर्स है आपका ग्रे वाला, तो पहले है 20, पी में है 20, उसके बाद क्यू में है 10, फिर आर में है आपका, आर में कितना है, आर में है 20, एस में है 20, फिर टी में आपका है 16, क्यों, हाँ 16, ठीक है? उसके बाद यू में कितना है, यू में है आपका 20। तो इसका अगर आप टोटल निकालेंगे प्लस करेंगे तो आपका आएगा कितना, 106। अब आपको ये आर्ट्स और कॉमर्स का सब्ट्रैक्शन, ये डिफरेंस निकालना है, तो 164 माइनस 106 जो कि आपका आएगा 58, तो ये 58 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। तो अगला सवाल क्या कहता है, इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल्स एस एंड यू आर 30% एंड 70% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल क्यू रेस्पेक्टिवली, मतलब अगर एस में जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, मूल संख्या जितना है छात्रों का एस में, वो अगर 30% 30% ज़्यादा है क्यू से, और यू में जो टोटल नंबर, टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो अगर 70% ज़्यादा है क्यू से, देन आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्यू एस एंड यू व्हाट परसेंटेज स्टूडेंट सिलेक्टेड आर्ट्स। तो फिर क्यू एस और यू में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनमें से कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स ने आर्ट्स सिलेक्ट किया है, ठीक है? ये है आपका सवाल। तो देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं, आप पहले क्यू को, क्योंकि कहा गया है कि एस क्यू से 30% ज़्यादा है और यू क्यू से 70% ज़्यादा है, तो आप क्यू को मान लीजिए कि क्यू में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनका संख्या है 100, ठीक है? तो एस में कितना आ जाएगा, एस 30% ज़्यादा है मतलब 130, और यू 70% ज़्यादा है मतलब 170, ठीक है? ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपको आर्ट्स निकालना है कि कितने प्रतिशत
कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस यहाँ पे आर्ट्स है ये आपको निकालना है, उसके बाद आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो देख लीजिए क्यू में आर्ट्स कौन सा है, देखिए आर्ट्स है ब्लू वाला, और क्यू में कितना है, क्यू में है 20%, ठीक है। क्यू 20% ऑफ 100 मतलब 20, ठीक है। अब एस में देख लीजिए आर्ट्स, एस में आर्ट्स है आपका 10, 11, 12, 13, 14, 15% है एस में, ठीक है। मतलब 15% ऑफ 130, ठीक है। मतलब कितना, 15% ऑफ 130 मतलब 10% प्लस 5%, तो 10% ऑफ 130 आता है 13, और 5% ऑफ 130 आता है 6.5, तो आपका टोटल आ जाएगा 19.5, ठीक है। और यू में देख लीजिए, यू में है आपका आर्ट्स है ब्लू वाला, तो यू में कितना है, यू में है 50%, ठीक है 50%, तो 50% ऑफ 170 मतलब 170 का आधा करना है आपको, तो वो आ जाएगा आपका 85, ठीक है। अब आपको परसेंटेज निकालना है, ये टोटल में से कितना है आर्ट्स का, तो परसेंटेज आपका क्या आ जाएगा, 20 plus 19.5 plus 85 divided by 100 plus 130 plus 170 into 100। देखिए मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रही हूँ, वरना एग्ज़ाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना मत लिखिए, लिखेंगे तो एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए 124.5 आ गया इसको ऐड करने के बाद, और नीचे आपका आ जाएगा 400 into 100, इससे ये कट गया, ठीक है। इससे अगर आप डिवाइड करेंगे 4 2 12 4 1 4 4 1 4 8 9 10 20 4 5 20 31.125%, ये है आपका आंसर, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर है, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो ये है हमारा अगला सवाल एंड लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मैं पहले ही बोल देती हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो ये थोड़ा मिटा देती हूँ मैं, क्योंकि ये स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। इफ़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल पी इज़ 100 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल टी, तो टी में जितने स्टूडेंट्स हैं उससे 100 ज़्यादा है पी में, ठीक है। एंड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल पी एंड टी, और पी और टी को मिला के जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें से 53.75% स्टूडेंट सिलेक्टेड साइंस स्ट्रीम, उसमें से 53.75% प्रतिशत स्टूडेंट्स ने साइंस सिलेक्ट किया है, ठीक है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल पी एंड टी टुगेदर सिलेक्टेड कॉमर्स स्ट्रीम, तो फिर पी और टी दोनों स्कूल मिला के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए परसेंटेज नहीं नंबर पूछा है आपसे, कितने संख्या स्टूडेंट्स कॉमर्स को चूज किया है पी और टी में, टोटल पी और टी में, ठीक है। ये है आपका सवाल, ओके। तो इस सवाल को करने के लिए मैं क्या की हूँ, देखिए क्योंकि पी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टी से 100 ज़्यादा है, तो मैं मान ली हूँ कि टी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100x, तो फिर पी में है 100x plus 100, इससे हमें कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है, ओके। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्योंकि साइंस का बात कहा गया है पहले, तो हम पहले देखते हैं पी और टी में साइंस में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पे निकालते हैं टी में कितने साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो हम देखेंगे, फिर देखेंगे पी में कितने साइंस के स्टूडेंट्स हैं। चलिए हम बार ग्राफ की ओर चलते हैं। तो देखिए टी में कितने हैं साइंस के, साइंस मतलब ऑरेंज वाला, तो टी में है 60%, ठीक है, 60% ऑफ 100x, ठीक है। तो 60% ऑफ 100x क्या होगा, 60x हो जाएगा, ठीक है। तो पी में कितना है साइंस स्टूडेंट्स ऑरेंज वाला, 50%, 50% ऑफ 100x plus 100, जो कि आपका आएगा 50x plus 50, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन में कितना आसानी हो रहा है, ठीक है।
अब हमें कहा गया है कि टी और पी में जितने टोटल साइंस स्टूडेंट्स हैं वो है 53.75%। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे अब, 60x + 50x + 50, ये टोटल साइंस स्टूडेंट्स प्लस कर दिए इसको, ये किसके बराबर है, 53.75% किसका परसेंटेज, ये टी और पी का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के परसेंटेज। तो क्या होगा, 100x + 100x + 100। ठीक है, तो अब आप इसको ऐड कर दीजिए, 60x + 50x क्या होता है, 110x, ठीक है, प्लस 50। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए आप इसको हम अलग अलग से कर लेंगे, 100x का 53.75% क्या होता है, 53.75x, फिर से 100x का 53.75% मतलब 53.75x, और उसके बाद 100 का 53.75% मतलब 53.75। इसीलिए मैं 100 मानी थी ताकि कैलकुलेशन आपका इजी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 110x + 50 = 53.75x + 53.75x, मतलब इसको आप दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब आपका आ जाएगा 107.50x + 53.75। ठीक है, तो 110x माइनस, इसको आप इस तरफ लेके चले जाइए, फिर 110x माइनस 107.50x, मतलब आपका क्या आ जाएगा, मतलब आपका आ जाएगा 2.5x, और उसके बाद इसको इस तरफ लेके जाइए, 53.75 मतलब माइनस 50 मतलब 3.75। ठीक है, एक्स का वैल्यू आपका क्या आ गया, 3.75 / 2.5, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब आप फाइंड कीजिए, देखिए अब यहाँ पे आप इस वैल्यू को बिठा दीजिए, तो टी का क्या आ जाएगा, 100 × क्या आया आपका, एक्स का वैल्यू 3.75 / 2.5। ठीक है, 3.75 / 2.5, 3.75 × 100 क्या होता है, 375 / 2.5, 2.5 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा 10, तो आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ऊपर में आ जाएगा 1500 और नीचे में आ जाएगा 10, तो आपका आंसर, तो ये आपका आ जाएगा 150, मतलब टी में टोटल स्टूडेंट्स है 150, और आपका पी में कितना है, टी से 100 ज़्यादा है, मतलब 150 + 100 विच इज़ इक्वल टू 250। ठीक है, ये आपका निकल गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको मैं ऐसा कर देती हूँ, कलर चेंज करके आपको आसानी होगा समझने में। हाँ, ये आपका आ गया टोटल स्टूडेंट्स पी और टी में, तो एक मिनट मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, पी और टी में, तो पी में आपका आ गया 250 और टी में आपका आ गया है 150। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, अब आपको ये निकालना है कि पी और टी में टुगेदर, मतलब कुल पी और टी में कॉमर्स के कितने स्टूडेंट्स हैं, ये आपको निकालना है। तो कॉमर्स में देख लीजिए, कॉमर्स कौन सा है, ग्रे वाला, ये वाला है कॉमर्स, तो पी में कितना है, पी में है 20% और टी में आपका है कितना, 16%, तो पी में है आपका 20% और टी में है, तो पी में कितना है कॉमर्स, 20% ऑफ 250, 20% होता है 1/5, 250 विच इज़ इक्वल टू 50। ठीक है, और टी में कितना है था कॉमर्स, टी में कितना है कॉमर्स, टी में आपका है 16%, अभी हम लोगों ने देखा टी में है 16%, 16% ऑफ कितना, 150। ठीक है, 16% ऑफ 150 मतलब 10% क्या होता है 15, और 6% क्या होता है 9, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 24। ठीक है, तो आपको टोटल निकालना है, टोटल कितने कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, 50 + 24 विच इज़ 74, तो 74 आपका हो जाएगा आंसर। ये सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है क्योंकि मैं इतना कैलकुलेशन करके दिखाई हूँ, लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा जब आप करने जाएंगे खुद से। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब बटन के पास ठीक बगल में एक बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है,
और मेरा एक ट्रैवल चैनल भी है, यूट्यूबर अन्वेषा। अगर आप उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको प्लीज़ देखिए, और अगर आपको वो चैनल अच्छा लगे तो वो ट्रैवल और फैशन चैनल है, तो अगर आपको वो चैनल अच्छा लगे तो उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद अब से मैं फुल टाइम ट्रैवलिंग करूँगी, उसमें मैं वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी और साथ ही साथ मैं इस चैनल में भी वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी, तो आप दोनों को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और मेरे इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है यूट्यूबर अन्वेशा। इंस्टाग्राम में मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, आप वहाँ पे मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं या सॉरी या मुझे कुछ बता सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।